जंगल में ऐसा कौन सा जानवर है जिसे लायंस खत्म नहीं कर सकते? देखा जाए तो ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिसे शेर खत्म नहीं कर सकते, यानी शेर जंगल के किसी भी जानवरों को खत्म कर सकता है, चाहे हिप्पोपोटेमस हो, राइनो हो या फिर विशालकाय हाथी क्यों न हो। शेर के सामने जंगल का कितना भी बड़ा जानवर क्यों न आ जाए, वो उसे खतरे के रूप में बाद में और भोजन के रूप में पहले देखते है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब शेर इतना ताकतवर है और वो जंगल के किसी भी जानवर को खत्म कर सकता है तो फिर उसे कोई भी नहीं मार पाएगा। ऐसा नहीं है। जंगल में ऐसे बहुत से जानवर हैं जो शेरों को ना केवल हरा सकते हैं बल्कि उन्हें जान से खत्म भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ जानवरों में से 10 ऐसे जानवरों के बारे में जानेंगे जो शेरों को कड़ी टक्कर तो देते ही है, साथ ही साथ उन्हें खत्म करने का भी दम रखते है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 10 जानवरों के बारे में जो जंगल के राजा को आसानी से मौत के घाट उतार सकते हैं, और आखिरी वाले के बारे में जानकर तो आप हैरान हो जाओगे। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। नंबर 10, ज़ेब्रा। शेरों के इलाके में पाया जाने वाला यह जानवर जब उसके इलाके में रह सकता है तो यह शेरों से बचने या उन्हें टक्कर देने के तरीके तो जानते ही होंगे। सफेद और काले रंग के स्ट्राइप्स वाले ये जानवर दिखने में काफी शांत नजर आते हैं, लेकिन जब शेर मौत बनकर इनका शिकार करने के लिए इनके पीछे दौड़ते हैं तब ये खुद की जान बचाने के लिए न केवल 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं बल्कि अपने पीछे पड़ी मौत का सामना करने के लिए उतनी ही स्पीड से अपने पिछले दोनों पैरों से शेरों पर हमला भी करते हैं। और कहा जाता है कि सभी जानवरों में सबसे पावरफुल किक ज़ेब्रा की ही होती है। शेर चालाक और ताकतवर होते हैं, इसीलिए वे 10 में से 9 बार ज़ेब्रा को मारने में कामयाब हो भी जाए लेकिन 10 में से एकाध बार 450 किलो वजनी इस जानवर की लात अगर शेर पर पड़ जाए तो शेर को या तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज होना पड़ेगा या फिर उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। नंबर 9, जिराफ। जंगल का सबसे ऊँचा जानवर। एक अकेले शेर के लिए 18 से 20 फीट ऊँचे इस जानवर को खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जितनी लंबी इसकी गर्दन होती है उतनी ही लंबी इसकी टांगे भी होती है। शेरों को इनका शिकार करने के लिए पहुंचना होता है इनकी गर्दन तक, लेकिन गर्दन तक पहुंचने से पहले इन्हें सामना करना पड़ता है इनकी लंबी और मजबूत टांगों का। शेरों का झुंड जोखिम उठाकर इतने ऊँचे और भारी भरकम जानवर का शिकार करना तभी पसंद करते है जब उनके इलाके से विल्ड बीस्ट ज़ेब्रास और वाइल्ड बफेलोस कुछ महीनों के लिए कहीं चले जाते हैं, तब मजबूरी में शेरों को जिराफ का शिकार करना ही पड़ता है। जब कभी भी शेर इनका शिकार करने की कोशिश करते रहते हैं तब ये अपनी जान बचाने के लिए केवल अपने दो पैरों का ही नहीं बल्कि चारों पैरों का और अपनी पूरी रफ्तार का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते झुंड का एक ना एक शेर घायल हो जाता है और अगर लात सटीक जगह पर पड़ गई तो शेर मर भी सकता है, फिर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। नंबर 8, गोरिल्ला। वैसे तो अफ्रीका में गोरिल्ला और लायंस के इलाके अलग अलग होते हैं। जिस तरह लायंस झुंड में रहते हैं वैसे ही गोरिल्लास भी झुंड में ही रहते हैं। इलाका और जगह अलग अलग होने से इनका आपस में टकराना मुमकिन नहीं है, लेकिन मान के चलो कि ये दोनों आपस में टकरा गए तो क्या गोरिल्ला लायन का सामना कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। लायंस उछल कूद करने में, सामने वाले के वार को रोकने में, अपने शिकार के कमजोर हिस्से पर अटैक करने में और तेज रफ्तार से भागने में माहिर होते हैं, साथ ही साथ वे चाकू छुरी जैसे पहने नाखून और दांतों से भी लैस होते हैं। देखा जाए तो लायन एक चलता फिरता किलिंग मशीन है, लेकिन गोरिल्ला भी ताकत और साइज के मामले में कम नहीं है। गोरिल्ला का बाइट फोर्स 1300 PSI होता है जो कि लायन के बाइट फोर्स से लगभग डबल है। 300 किलो वजनी गोरिल्ला में 8 से 10 इंसानों जितनी ताकत होती है। 6 फुट लंबाई वाला गोरिल्ला अगर अपने पावरफुल हाथ और नुकीले दांतों से शेर का मुकाबला कर ले तो वो शेर को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। नंबर 7, राइनोसेरोस। ये दानों शेरों के इलाके में ही रहता है और बिंदास शेरों के आसपास घूमता रहता है। इसके बावजूद भी शेर इसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करता, वो इसीलिए क्योंकि जानवरों में सबसे मोटी और सबसे मजबूत चमड़ी इसी के पास है जिसे शेर अपने दांतों और नाखूनों से काट नहीं पाएगा। बड़ी चमड़ी के अलावा इसकी नाक के ऊपर एक 2 से 3 फीट का एक बड़ा सा सिंग भी होता है जो बड़े से बड़े जानवरों को मौत के घाट उतार
चार सकता है। ऐसे में 200 किलो के लायन के लिए इस 3000 किलो के दानों का सामना करना मौत को गले लगाने के बराबर ही होगा। नंबर 6, हिप्पोपोटेमस। अफ्रीका की नदियों में रहने वाला ये जानवर न केवल शेरों का मुकाबला कर सकता है बल्कि इसने तो कई शेरों को खत्म भी कर दिया है। मगरमच्छों के साथ रहने वाले इस शैतान का दिमाग कब घूम जाएगा कह नहीं सकते। जमीन पर रहने वाले इस दूसरे सबसे बड़े जानवर का वजन 3200 किलो तक हो सकता है। इतना विशाल का शरीर होने के बावजूद भी ये एक महान तैराक है और पानी के अंदर 5 मिनट तक सांस रोक सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जब हिप्पो और मगरमच्छ साथ साथ रहते हैं तो मगरमच्छ इनसे उलझते क्यों नहीं, इसके पीछे का कारण है हिप्पो का 4 से 5 फीट तक खुलने वाला मुंह और मुंह के अंदर मौजूद 1.5 फीट के 4 तलवार जो कि मगरमच्छ के 2 टुकड़े करने के लिए काफी है। हालांकि हिप्पो के पास विशाल का शरीर और तलवार जैसे दांत है, इसके बावजूद भी लायंस हिप्पो से डरते नहीं है। वे इनके बच्चों को खत्म करते रहते हैं और कभी कभी तो शेरों का बड़ा झुंड बड़े हिप्पो का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटते। पर अगर गलती से शेर के शरीर का कोई भी हिस्सा इनके मुंह में आ गया तो वो हिस्सा या तो इन्हें गंवाना पड़ जाता है या फिर जान भी गंवानी पड़ सकती है। नंबर 5, ग्रिजली बेर। अगर शेर और ग्रिजली बेर की फाइट करा दी जाए तो ये फाइट काफी लंबे समय तक चलेगी। ग्रिजली बेर शेर से काफी बड़े और वजनदार होते हैं। इनका शरीर मोटा होने के अलावा इनके शरीर पर काफी सारे बाल भी होते हैं जो इन्हें लायंस के हमले से काफी हद तक बचाए रखेंगे। इनका बाइट फोर्स 1160 PSI होता है जो कि शेर के बाइट फोर्स से कई ज्यादा है। इनके पंजे भी शेर के पंजों से काफी बड़े होते हैं। यही सब एडवांटेजेस ग्रिजली बेर को लायंस को टक्कर देने लायक बनाते हैं। हालांकि लायन ग्रिजली बेर से काफी ज्यादा मस्क्यूलर, परफेक्ट हंटर और बेस्ट फाइटर होते हैं, इसके बावजूद भी ये जानवर लायन को कड़ी टक्कर दे सकता है। नंबर 4, क्रोकोडाइल। ये लायंस को केवल कड़ी टक्कर ही नहीं देते बल्कि ये उन्हें जान से खत्म भी कर डालते हैं और वो भी केवल पानी के अंदर। लायंस जमीन पर लड़ने झगड़ने के लिए बने हैं और मगरमच्छ के एडवांटेजेस काम आते हैं पानी के अंदर। वे शिकार की तलाश में नदी या तालाब के किनारे कई घंटों तक पत्थर की तरफ पड़े रहते हैं और जो भी पानी पीने आने वाला जानवर उसे पत्थर समझ लेता है, उसे ये अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ कर ले जाता है पानी के अंदर और कर डालता है उसका काम तमाम। अफ्रीका के जंगलों में नदी पार करने के दौरान अक्सर मगरमच्छ और लायंस की मुठभेड़ होती रहती है। बड़े और चालाक लायंस ऐसी मुठभेड़ों से बचकर निकल जाते हैं लेकिन कमजोर नौजवान या फिर शेरों के बच्चों को ये मगरमच्छ खत्म कर डालते हैं। नंबर 3, एलिफेंट। साइज और ताकत की बात की जाए तो शेर हाथी के सामने टिक ही नहीं पाएगा। हाथी की शोल्डर हाइट 10 फीट से भी ज्यादा होती है और वजन 5400 किलो से भी ज्यादा। कहां 220 किलो का शेर और कहां 5400 किलो का हाथी। धरती का सबसे बड़ा जमीनी जीव हाथी है जिसके पास बेहिसाब ताकत है। बड़े बड़े पेड़ों को अपने सूंड से गिराने वाला और जानवरों को अपने भारी भरकम पैरों से कुचलने वाले इस हाथी के सामने शेर तो क्या जंगल का दूसरा कोई भी जानवर टिक ही नहीं पाएगा। हालांकि कुदरत ने हाथी को शेरों से कई गुना बड़ा और कई ज्यादा ताकतवर बनाया है लेकिन उसी कुदरत ने शेरों को बदलते हालातों के हिसाब से ढलने में माहिर भी बनाया है। लायन सिचुएशन के हिसाब से न केवल अपने आप को बदल लेते हैं बल्कि शिकार करने की नई नई स्किल्स भी डेवलप कर लेते हैं। अफ्रीका के जंगलों में बहुत बार देखा गया है जब शेरों के इलाके में आग लग जाती है या भयंकर सूखा पड़ जाता है तब इनके इलाके से सारे जानवर भाग जाते हैं और कभी कभार बच जाते हैं हाथी, जिसके चलते शेरों के पास इनका शिकार करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऐसे में लायंस न केवल बड़े से बड़े हाथी को मारने की रणनीति बनाते हैं बल्कि धरती के सबसे बड़े इस विशालकाय जानवर को खत्म भी कर डालते हैं। एक दूसरे को मारने की ये लड़ाई सिचुएशन पर डिपेंड करती है पर ये बात सच है कि एक हाथी किसी भी नर शेर को आसानी से मार सकता है। नंबर 2, वाइल्ड बफेलो। जंगल का ये टैंक अक्सर शेरों के लिए मुसीबत पैदा करते हुए नजर आता है। हालांकि भैंसे शेरों का मनपसंद शिकार है, एक अकेले भैंसे को मारना शेरों के लिए आसान हो जाता है पर बदकिस्मती से ये भैंसे ज्यादातर झुंड में ही रहते हैं और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इनके बीच कमाल की यूनिटी होती है। जब कभी भी शेर किसी भैंसे पर हमला करते हैं तब उसे बचाने उनका झुंड तुरंत आ जाता है और अगर गलती से भी कोई शेर इनके बीच फंस गया तो समझो उसकी मौत तय है। यही कारण है कि ज्यादातर शेर और उनके
बच्चे इन भैंसों के हमले में ही मारे जाते हैं। नंबर एक, टाइगर, कैट फैमिली का सबसे बड़ा दानव। ये लायन से हर मामले में दो कदम आगे है। फर्क सिर्फ इतना है कि लायंस अपने परिवार के साथ रहते हैं और ये अकेला रहता है। एक अकेले अफ्रीकन बफेलो को मारने के लिए शेरों को उसके झुंड की जरूरत पड़ती है, बल्कि टाइगर अकेला ही एक इंडियन गौर को मार देता है, जो कि अफ्रीकन बफेलो से काफी बड़ा और काफी मस्कुलर होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक टाइगर 800 से 900 किलो के गौर को खींच कर भी ले जाता है। इंडिया के गिर नेशनल पार्क में पाए जाने वाले लायंस बंगाल टाइगर से काफी छोटे होते हैं। अगर अफ्रीकन लायन को बंगाल टाइगर से कंपेयर किया जाए तो एक मेल अफ्रीकन लायन का वजन 200 किलो से 250 किलो तक हो सकता है। इनकी शोल्डर हाइट 3.5 से लेकर 4 फीट, लंबाई 9 से 10 फीट और बाइट फोर्स 650 पीएसआई होता है। अगर बंगाल टाइगर की बात की जाए तो इनकी शोल्डर हाइट 3 से 3.5 फीट, लंबाई 9 से 13 फीट और बाइट फोर्स 1050 पीएसआई तक होता है। वजन की बात की जाए तो इनका वजन 220 किलो से 300 किलो तक होता है। जय और बजरंग का वजन 250 किलो से भी ज्यादा था और वाग्दो तो 300 किलो के आसपास था। देखा जाए तो इनके बीच कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। यही कारण है कि इतिहास में ज्यादातर लड़ाइयां बंगाल टाइगर और अफ्रीकन लायन के बीच ही कराई गई थी। इनके बीच लड़ाई कराने से पहले इन्हें कुछ दिनों तक भूखा रखा जाता था, ताकि लड़ाई के दौरान ये दोनों एक दूसरे पर रहम ना दिखा सके। इन्हीं लड़ाइयों के मुताबिक 10 में से 7 बार टाइगर की ही जीत होती थी। तो ये कहना गलत नहीं है कि एक टाइगर लायन को मार सकता है। और रही बात साइबेरियन टाइगर की, तो वो ठंडे इलाके में रहने की वजह से वो इन दोनों से काफी बड़ा हो जाता है और वो बंगाल टाइगर और अफ्रीकन लायन इन दोनों को आराम से हरा सकता है। तो गाइस, ये है वो 10 जानवर जो जंगल के राजा को ना केवल लड़ाई में हरा सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे मार भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा जानवर आपका फेवरेट है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।